नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय ब्लॉक के देवरा गांव का निवासी हूं। किसान साथियों, आज हम परवल की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। तो परवल की एक दूसरी वैरायटी के बारे में बताने जा रहे हैं और ये पौधा जमीन पर लगा हुआ है। किसान साथियों, इसकी खेती हम चाहे जमीन पर करें और चाहे मचान पर करें, दोनों विधियों से कर सकते हैं। लेकिन जो भी किसान साथी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके। तो आज हम लगाने का समय और इसमें लगने वाले रोग, इनके बारे में हम बताएंगे। तो इसके लगाने का सबसे बेस्ट समय होता है सितंबर लास्ट, अक्टूबर और नवंबर का महीना। उसमें से सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने को उपयुक्त इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस समय पौधा भी आसानी के साथ मिल जाता है। सितंबर के महीने में पौधा कोई देता नहीं है, इसलिए अक्टूबर के महीने में पौधे को लगाते हैं। लगाने का समय और इसमें लगने वाले रोग, बारिश के मौसम में एक रोग से विशेषकर ध्यान देते रहना चाहिए क्योंकि पौध गलन की समस्या बारिश के मौसम में आती है। तो बारिश के मौसम में पौध गलन की समस्या के लिए एमिस्टार का प्रयोग करते हैं। इसका हम 2 से 3 छिड़काव कर देते हैं। ये सिजेंटा कंपनी की बहुत ही अच्छी दवा है। इसका छिड़काव करने से, 2-3 छिड़काव करने से पौध गलन की समस्या दूर हो जाती है। इसमें कुछ और रोग लगता है, जड़ सड़न की समस्या। ये जड़ सड़न की समस्या जल्दी से दूर होने का नाम नहीं लेती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और एक है, इसमें सुंडियाँ लगती हैं। सुंडियों के लिए हम किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे हमला 505 हो और चाहे मिसाइल, किसी का कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं या जिन किसान भाइयों के क्षेत्र में जो भी कीटनाशक मिलता है उसका छिड़काव कर देते हैं। तो किसान साथियों, हम बिना रोग लगे 10 से 15 दिन के बाद इसमें किसी ना किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर हम फंगीसाइड का छिड़काव करते रहते हैं तो हमारे पौधों में किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। तो किसान साथियों को हम पौधे का फलन को दिखाते हैं। ये फलन, इस पौधे की लत्तियां मोटी होती है और इसमें फलन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। पौधों की लत्तियां मोटी होने के कारण इसमें बीमारी भी कम लगती है। और अगर हम ज़मीन पर इसकी खेती करते हैं तो पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जिससे कि आसानी के साथ पानी निकल जाता हो। अगर जिन किसान भाइयों के खेत में पानी अगर रुकता है बारिश के मौसम में, तो वो किसान साथी मचान के ऊपर खेती करें परवल की और इसको मेड़ बना करके उसके ऊपर पौधे को लगाएं। अब हम इसके फलन को दिखाते हैं, कितने ज़्यादा मात्रा में इसमें फल लगे हुए हैं। देखिए, ये यहाँ पे देखिए, एक तरफ से ये फल लगा हुआ है। ये देखिए और यहाँ देखिए, ये एक तरफ से है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए इस तरह से। आप यहाँ इधर देखिए, कहीं पर भी देखिएगा आपको हर जगह फल दिखाई देगी। यहाँ देखिए, ये देखिए यह फल लगा हुआ है परवल में। फल ये देखिए, 3-3, 4-4 फल इकट्ठे लगे हुए हैं परवल में। फल यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको हर जगह फल दिखाई देगा। कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ फल ना दिखाई देता हो। इधर भी देखिए, ये किसान साथियों इसकी फलन को देखिए। ये देखिए, यहाँ हर गांठ पे फल लगा हुआ है। ये देखिए दो फल लगा हुआ है। कहीं पर 2 फल, कहीं पर 1 फल। आपको एक तरफ से देखिए फल दिखाई देगा। ये देखिए फल का साइज, देखिए ये प्लेन है, थोड़ा सा रेशा इसमें दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मत काट दिया। यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए तो परवल में फल जो नई लत्तियाँ होती है उसी में लगता है। अगर नए कल्ले नहीं निकल रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी परवल के खेत में फल नहीं लगेगा। इसके लिए
जब भी अगर नए कल्ले निकल रहे हों तो बिल्कुल ध्यान रखें, कीटनाशक का जरूर छिड़काव करें, क्योंकि नहीं तो ये सुंडियाँ ऐसी नए कल्ले को काट देती हैं। ये भी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार किसान साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।